ये कटलेट ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। अगर आप भी इस चैनल पे न्यू आए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा सा नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है, देखिए, 2 कप पोहा। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 कप पोहा लिए हैं। आपके घर में जो भी पोहा है वो आप ले लीजिए। और पोहे को हम 2 से 3 बार अच्छे से धोएंगे तो इसमें जितने भी स्टार्च या गंदगी वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा। और ये देखिए पोहे को मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है, बिल्कुल इसी तरह से आपको धोकर लेना है। तो अब पोहे को हम 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे ताकि सारा पानी पोहे के अंदर एकदम बढ़िया से ऑब्जर्व हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोहे में एकदम सारा पानी जो है अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है और पोहा हमारा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से फूल कर देखिए तैयार हो गया है। तब पोहे को हम हाथों से देखिए इस तरह से मैश करेंगे। जब आपकी पोहा एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए तब आप क्या कीजिए, पोहे को एकदम हाथों से इस तरह से मैश कर लीजिए, बहुत इजीली हो जाती है। अच्छे से सॉफ्ट होने के बाद पोहा आपका एकदम बढ़िया से मैश हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पोहा को मैंने एकदम बढ़िया से मैश कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 उबले हुए आलू लिए हैं। और आलू को हम क्या करेंगे, आलू को देखिए इस तरह से हम ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू के बड़े बड़े पीसेस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इसे एकदम बढ़िया से ग्रेट करेंगे। और ये देखिए हमारा दोनों आलू अच्छे से ग्रेट हो चुका है। तब इसमें हम कुछ सब्जी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज के प्याज को एकदम स्लाइसेस में कटा हुआ, इसमें हम ऐड कर लेते हैं। और 2 से 3 बारीक कटा हुआ इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। और साथ में 2 बड़ी चम्मच इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर ऐड कर लेते हैं। और थोड़ा सा इसमें बारीक काटा हुआ फ्रेश हरा धनिया का पत्ता इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने पसंद का कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। तो इसमें आप स्वीट कॉर्न या मटर, कोई भी आपको सब्जी अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें ले लीजिए। और साथ में 1/2 छोटी चम्मच इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। और थोड़ी सी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर लेते हैं, अगर आपको पसंद हो तभी आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी जगह रेड चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं और साथ में 1 छोटी चम्मच इसमें भुनी हुई जीरा पाउडर डालेंगे। तब अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने हाथों को पहले अच्छे से वॉश करके एकदम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिलाएंगे। और ये लीजिए सभी मसाले और सब्जी एकदम अच्छे से मिक्स हो गई है। तब चलिए इसमें हम डाल देते हैं अब 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा। तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का यूज कर लीजिए। लेकिन इसमें चावल का आटा डालने से आपका जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होता है, जिससे आपका नाश्ता अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें एकदम बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो यहाँ पे पहले हम हाथों को एकदम अच्छे से वॉश करेंगे, तब इसके हम टिक्की बनाएंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण लेंगे, और इसे राउंड करते हुए देखिए इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी आप सिलेंडर शेप में या फिर स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, जो भी आपको शेप देना पसंद हो वो आप इसमें ले सकते हैं। तो ये देखिए स्प्रेड करते हुए इस तरह से एक टिक्की बन चुकी है। तो इसी तरह से स्प्रेड करते हुए सारे टिक्की को हम बना लेंगे। इस कटलेट को बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, बस पोहा और आलू से एकदम झटपट से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे पोहा के कटलेट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो मैंने यहाँ पे जितने मेजरमेंट लिए हैं उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे कटलेट बने हैं। तब चलिए इन्हें हम सेलो फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को एकदम मीडियम गरम कर लिए हैं। तो जब आपका ऑयल एकदम मीडियम गरम हो जाए तब एक एक करके इन कटलेट को हम ऑयल में डाल देंगे। तो एक बार में जितने टिक्की आ जाते हैं ऑयल में उतने डालकर आप फ्राई कीजिएगा। तो यहाँ गैस का फ्लेम ना लो रखना है ना हाई रखना है, गैस का फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल मीडियम रखना है। अगर गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे तो जो आपकी टिक्की बन रही है वो ज़्यादा ऑयल सोख लेगी।
तो इन कटलेट्स को हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। जब आपके कटलेट एक साइड से सीख जाए तब इसके साइड को हम देखिए इस तरह से चेंज कर देंगे। तो इसमें दोनों साइड अलट पलट करके हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो इसे दोनों साइड अलट पलट करके एकदम बढ़िया से गोल्डन ब्राउन फ्राई होने देंगे। अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आपको बहुत ईजिली नाश्ता जो है बन जाएगी। तो ये देखें हमारा पोहा कटलेट दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पोहा कटलेट दोनों साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गया है। तब इन कटलेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना क्रिस्पी क्रंची और मजेदार से हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। तो सेकेंड बैच के भी इसी तरह से टिक्की को डालकर हम फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही क्रिस्पी सॉफ्ट और चटपटे से आपका नाश्ता जो है बनकर तैयार हो गया है। तो आप इसके ऊपर से देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। तो सुबह के नाश्ते हो या शाम के चाय के साथ इस तरह से इस नाश्ते को एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इतना क्रिस्पी क्रंची और चटपटा सा नाश्ता आपको कैसे लगी। अगर आपको आज की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे जरूर से जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और ये रेसिपी अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।